अहमद बशीर का कहना है कि इब्न इंशा ने बड़ी सोच विचार से इश्क लगाया था, ऐसी महबूबा का चुनाव किया था जो पहले ही किसी और की हो चुकी थी और शादीशुदा और बच्चों वाली थी, जिसके दिल में इंशा के लिए जज्बा हमदर्दी पैदा होने का कोई इम्कान ना था, जिससे मिलने के तमाम रास्ते मसदूद हो चुके थे। अपने इश्क को पूरे तौर पर महफूज कर लेने के बाद उसने इश्क के साज पर बेराग का नगमा छेड़ दिया। मौके तो मिले मगर इंशा ने कभी महबूबा से बात ना की, उसकी हिम्मत ना पड़ी। अक्सर अपने दोस्तों से कहता, यार उसे कह के मुझसे बात करे। उसके अंदाज में बड़ी मिन्नत और आजजी होती, फिर आशिक का जलाल जागता। वो कहता, देख इसे अपनी बात ना छेड़ना, बातों बातों में भरमा ना लेना। महबूबा तेज तर्रार थी, दुनियादार थी, पहले तो तमस्खुर उड़ाती रही, फिर इंशा की दीवानगी को काम में लाने का मंसूबा बांधा। इस दिलचस्प मशगले में मियां भी शरीक हो गया। इंशा को फरमाइशें मौसूल होने लगीं, इस पर इंशा फूले ना समाता। दोस्तों ने उसे बार बार समझाया कि इंशा वो तुझे बना रही है। इंशा जवाब में कहता, कितनी खुशी की बात है कि बना तो रही है, ये भी तो एक ताल्लुक है, तुम मुझे इस ताल्लुक से महरूम क्यों कर रहे हो। एक रोज़ जब वो फरमाइश पूरी करने के लिए शॉपिंग करने गया तो इत्तफाक से मैं भी साथ था। मैंने इंशा की मिन्नतें कीं कि इंशा जी इतनी कीमती चीज़ें मत खरीदो, तुम्हारी सारी तनख्वाह लग जाएगी। इंशा बोला, मुफ्ती जी तुम्हें पता नहीं कि उसने मुझे क्या क्या दिया है। उसने मुझे शायर बना दिया, शोहरत दी, जिंदगी दी। इंशा की आंखों में आंसू छलक रहे थे। मुमताज़ मुफ्ती की किताब और ओखे लोग से माखूज। अगर आपको हमारी काविश पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल बुक शेल्फ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।